क्यों रोई सना, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो सना को बुरी लगी। मैं हिना कुमार फिल्म विंडो पर आपको बताऊंगी कि क्या असली वजह यही थी कि सिद्धार्थ शुक्ला ने आसिम के साथ सना का नाम जोड़ा, या फिर वो इस बात को लेकर खफा थी कि मीडिया ने उनसे ऐसे तीखे सवाल क्यों किए। ये तो आपने देखा कि आज जब मीडिया ने उनसे बहुत सारे सवाल किए तो ऐसे में बहुत सारे जो सीधे और तीखे सवाल थे वो ज्यादातर जो है सना से किए गए कि अब एंटरटेनिंग नहीं इरिटेटिंग लगती है, ये सवाल किया गया। फिर उन्हें पूछा गया कि क्या आप अपनी इमेज को चाहती हैं कि फ्लिपर बने, फ्लिपर यानी एक ऐसा शख्स जो रीढ़ की हड्डी के बिना है, यानी कि जो किसी का स्टैंड नहीं लेता या जिसका स्टैंड कोई नहीं लेता, कभी इधर तो कभी उधर जाता है। आप खुद को मारती हैं, पीटती हैं नेशनल टीवी पर, क्या आप ऐसी इमेज बनाना चाहती हैं? सिद्धार्थ के साथ आपका क्या है? गौतम गुलाटी, कार्तिक आर्यन, सिद्धार्थ, पारस, क्या आप सभी को एक साथ इस तरह से पसंद करती हैं? तो आपके लिए नंबर 1, 2, 3, 4 कौन है? तो ये सारी बातें जो है सना से पूछी गई और उनसे कहा गया कि आप जो है 4 महीने तक इस तरह की एक्टिंग कर रही हैं, तो उन्होंने बोला ये रियलिटी शो है, मैं बहुत ही नेचुरल हूँ और मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। जब उनसे पीटने का सवाल पूछा गया कि आप खुद को पीटती हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं क्या करूं, मैं घर पे भी ऐसी ही हूं, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर एक्टिंग कर रही हूं, और हम जब 4 महीने यहाँ रहते हैं तो नेचुरल हो जाते हैं। सिद्धार्थ को लेकर उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने यही बोला कि मैं 4 महीने से यहाँ हूँ, इसके साथ सेफ फील करती हूँ, मुझे लगता है कि मेरा परिवार है, इसके लिए जो मेरी फीलिंग है वो मैं बयान नहीं कर सकती। लेकिन आखिर में चलते चलते उनसे पूछा गया कि जब सिद्धार्थ को आप दोस्त मानती हैं, सब कुछ कहती हैं, लेकिन जब भी जरूरत होती है उनके लिए स्टैंड लेने की, तो आप उनके लिए कभी भी स्टैंड नहीं लेती हैं, ऐसा क्यों है? आप उनके लिए सपोर्ट नहीं बनती हैं, बल्कि आप उन लोगों के साथ जाकर बात करती हैं जिन्होंने कभी सिद्धार्थ के बारे में बहुत ही गलत बातें की थी। तो ऐसे में वो कहती है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं उन लोगों के साथ हूँ, ऐसा नहीं है, और यही मेरी गेम है। तो उन्होंने बोला तो क्या सिद्धार्थ शुक्ला के साथ आप गेम के लिए है? तो सना बोलती है कि आप मान लीजिए सिद्धार्थ शुक्ला ही मेरी गेम है। और उसके बाद जो है सिद्धार्थ कहती है मुझे भी कह रही थी कि मैं तुझसे दूर रहूंगी, तो मैंने कहा कि हाँ तुम आसिम के पास ही जाकर रहना। और जो है इसी बात का लग गया सना को बुरा, और हम देखेंगे कि कल घर के अंदर जो है वो सिद्धार्थ के साथ इसी बात को लेकर रोती हुई नजर आएंगे और वो कहेंगे कि तुमने जो है मेरी इमेज को नेगेटिव कर दिया, और मेरी जो मीडिया में जिस तरह की इमेज बन रही है वो बहुत ही नेगेटिव तुम बना रहे हो, और मुझे जो है आसिम के साथ जाकर रहने को कह रहे हो। तो कहीं ना कहीं सना जो है फिर सिद्धार्थ शुक्ला से नाराज होगी, पर मुझे यहाँ लगता है कि उनकी जो नाराजगी है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने उन्हें आसिम के साथ जाकर रहने को बोला। सना की नाराजगी शायद इसलिए भी है क्योंकि जितनी भी मीडिया आई थी, जो भी आया था, उनमें से बहुत ही ऐसा नहीं था कि उनकी कोई तारीफ कर रहा हो। उनके कैरेक्टर को लेकर, उनकी आदतों को लेकर, उनकी हर बात को लेकर जो है मीडिया ने तीखे सवाल किए। और वही बात मुझे लगता है कि भले ही मीडिया में सभी के सामने जो है उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया हो, बीच में एक ऐसा भी मोमेंट आया जब उन्होंने बोला कि अरे तू रहने दे, ये मीडिया के सामने तू ऐसी बातें मत कर, तो कहीं ना कहीं वो जो है मीडिया के सामने हस्ती खेलती नजर आई। लेकिन अंदर जाने के बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ कि अगर मीडिया मुझसे ये सारे सवाल पूछ रही है तो क्या लोग मुझे सिर्फ यही सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर जो है पारस और सिद्धार्थ के साथ नाम जोड़ा, कार्तिक के साथ, गौतम के साथ, मैं जो है खुद को पीटती हूँ, मैं खुद को फ्लिपर बोलती हूँ। लेकिन एक बात जो है सना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ की कि मुझे एक हाथ में ट्रॉफी चाहिए और सिद्धार्थ भी चाहिए, भले ही स्टेज पर मेरा हाथ उठाया जाए। तो ये बात जो है वो कई बार बोलती हुई नजर आई। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें जो है, मुझे लगता है कि प्रेस जब अंदर गई तो उन्हें यह एहसास हुआ होगा कि 4 महीने के शो में अगर मुझसे यही सारे सवाल पूछे गए हैं तो कहीं ऐसा नहीं कि मेरी इमेज जो है इसी तरह की बाहर गई हो। लेकिन जो भी है, एक बात तो माननी होगी कि सना की वजह से जो है बिग बॉस का सीजन 13 बहुत ही एंटरटेनिंग हुआ है, उनकी वजह से जो एंटरटेनमेंट इस घर में आया है। आज भी आपने देखा कि जब आरती जो है उनको भूत बनाकर डरा रही थी तो किस तरह का एंटरटेनमेंट उन्होंने घर के अंदर ऐड किया है, कौवे से बात करना हो, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो है सना पूरे सीजन में करती आई हैं जिससे लोगों का मनोरंजन हुआ है। और मुझे लगता है कि अगर इस घर में सबसे ज्यादा किसी ने एंटरटेनमेंट किया है तो वो सना है। तो उनको क्यों रोना आया, क्या था इसके पीछे का कारण, आपको क्या लगता है, मीडिया के तीखे सवाल या फिर सिद्धार्थ शुक्ला ने जो आसिम के साथ उनका नाम जोड़ा वो? कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन कमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।